छत्तीसगढ़ में तैनात एक आईएएस अफसर जनक प्रसाद पाठक बलात्कार के मामले में फंस गए हैं। राज्य के जांजगीर चांपा जिले में उन पर बलात्कार की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया है वो एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी है। महिला के मुताबिक जब आईएएस अफसर जनक प्रसाद पाठक जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर थे तब उन्होंने उसका बलात्कार किया। महिला के बयान के मुताबिक पूर्व कलेक्टर उसे एनजीओ में बड़ा काम दिलाने के नाम पर अपने दफ्तर बुलाते थे और इस दौरान यौन शोषण करते थे। महिला का दावा है कि बीती 15 मई को भी उन्होंने दफ्तर में रेप किया था। जांजगीर चांपा के एसपी पारुल माथुर ने बताया कि पूर्व कलेक्टर जेके पाठक पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। जेके पाठक महिला को अश्लील मैसेज भेजते थे और जो एफआईआर दर्ज करने में अहम सबूत साबित हुए हैं। आईएएस अफसर पर बलात्कार का मामला उछलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अफसर को सस्पेंड कर दिया है। अंकुश चौबे की रिपोर्ट, गो न्यूज़।